बिहार की नई सरकार नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इस पर सबकी नजर है। इस बार एनडीए की तरफ से विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीते। बता दें, बीजेपी ने जहां एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो वहीं जेडीयू ने 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए। इस वजह से नीतीश मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली। तो वहीं नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर खुर्शीद आलम मंत्री थे, लेकिन इस बार चुनाव में वो भी हार गए। अब जब फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसकी चर्चा जोरों पर है, तो बताया जा रहा है कि दिसंबर में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो इसमें किसी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार शामिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू में इस वक्त 5 मुस्लिम एमएलसी हैं: गुलाम रसूल बलियावी, कमरे आलम, गुलाम गौस, तनवीर और खालिद अनवर। चर्चा है कि इन्हीं 5 में से किन्हीं को नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री बना सकते हैं। लेकिन एक चर्चा और भी तेज है, और वो है बसपा से एकमात्र चुनाव जीते हुए जमा खान। सूत्रों के मुताबिक जमा खान की मुलाकात नीतीश कुमार से हो चुकी है और जमा खान को मंत्री बनाने का आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन शर्त ये भी है कि पहले जमा खान जदयू में शामिल हो जाए। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, तो क्या वो किसी मुस्लिम को अपने कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं या नहीं।